फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है ये है गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का कलेक्शन जो मेरा है, मेरे पास है, कुछ शादी के टाइम का है, उसके बाद का है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इससे पहले लेट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? और ये है मेरा फर्स्ट ईयरिंग जो कि है बहुत ही छोटा सा, ये आपको दिख रहा होगा, ये गोल्ड की ईयरिंग है और जिसे मैं डेली वेयर करती हूँ। इसे डेली वेयर बहुत ही लाइट वेट है और इसे डेली वेयर करना बहुत ही आसान है। और ये मुझे मेरी मम्मी ने दिया था डेली वेयर करने के लिए, क्योंकि उतने हैवी हैवी ज्वेलरी हम वेयर नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये ठीक है ज्वेलरी डेली वेयर करने के लिए। और सेकेंड जो है ये है ढोलना, और ये हमारे इधर शादी में दिया जाता है, शादी के टाइम ये दिया जाता है और इसी से शादी होती है। और उसके बाद और ये जिस टाइम शादी होती है ना, तो उस टाइम ये धागे में दिया जाता है, उसके बाद आप इसे मोती में डाल के पहनो, और कोई भी फेस्टिवल हो या जो भी होता है ओकेजनल, तो उसमें ये पहना जाता है। इसे पहनना बहुत शुभ है, आप इसे डेली वेयर भी कर सकते हो, मैं तो इसे डेली वेयर करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा होता है। इसे शादी के 1.25 साल तक पहनना तो नेसेसरी है, उसके बाद फिर आप इसे जब मन करे तो तब पहन सकते हो। और उसके बाद है ये इयररिंग, और ये इयररिंग मुझे शादी में ही गिफ्ट मिला था, और इसे मैं दिखाती हूँ पहन के। ये पहनने के बाद कुछ इस तरह लगता है और ये भी काफ़ी प्यारा है, और ये इसका भी वेट ज़्यादा नहीं है, ये भी लाइट वेट है, इसे आप अक्सर पहन सकते हो। इसे मैं हमेशा कभी कभी यूज करती हूँ क्योंकि इसे पहनना बहुत आसान है। उसके बाद है ये रिंग, ये गोल्ड की रिंग है और जो कि मेरे बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने दिया था, और इसे मैं पहन के दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह का है, ये बहुत ही प्यारा है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसे अपने पास रखती हूँ और इसे मैंने लॉकर में नहीं डाला। और इसके बाद नेक्स्ट है ये डायमंड की रिंग है जो कि ये मेरी इंगेजमेंट की रिंग है, एक्चुअली मुझे इंगेजमेंट में ये रिंग मिली थी, और ये भी बहुत प्यारा है, ये देख लो कितना प्यारा लग रहा है। बस इतनी सारी ज्वेलरी ही मेरे पास है अभी फ़िलहाल, और बाकी सारी ज्वेलरी जो हैवी ज्वेलरी है जिसका यूज नहीं है वो लॉकर में है, वो जब मैं लाऊंगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसका ज़रूर शेयर करूंगी किसी ओकेजन में पहनने के लिए। तो और तब तक के लिए यही देख लो आप लोग, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर